मुझे दारू का ठेका मिलना चाहिए। नहीं मालिक, दारू का ठेका आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि जब तक देवा जिंदा है आपको तो क्या किसी को भी नहीं मिल सकता। अरे छोड़ रे, दारू का ठेका तो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरे पास रोकड़ा नगद है ना, वो दिला देगा मुझे दारू का ठेका। मालिक, नगद तो देवा के पास भी है। अरे उसका नगद तो चेक से आएगा, और नगद रोकड़ा के सामने चेक का पैसा भी टिकता नहीं। और ये सरकारी ऑफिसर भी बात जानता है। कल देखना नीलामी का समय। देखेंगे। अरे कलेक्टर साहब, शराब की नीलामी शुरू कराइए, टाइम हो गया है। हाँ टाइम तो हो गया है, मगर हम थोड़ा इंतजार करेंगे। देखिए कलेक्टर साहब, आप सरकारी आदमी हैं, किसी खास आदमी का इंतजार नहीं कर सकते। कर सकते हैं, अगर सरकारी खजाने को फायदा हो तो। ठीक है कलेक्टर साहब, इंतजार करके देखिए, इस बार ठेका तो मैं ही लूंगा। जो भी तुझ पे बुरी नजर डालेगा मिट जाएगा। ये मत सोच कि अच्छे आदमी को बुरी नजर नहीं लगती। चांद सूरज ने किसी का क्या बिगाड़ा है, उन्हें भी तो ग्रहण लगता है ना। भगवान करे मेरा बेटा जो भी काम करे उसे उसमें कामयाबी मिले। देखिए कलेक्टर साहब, अगर आपने तुरंत ये नीलामी नहीं शुरू करवाई ना, तो हम तमाम ठेकेदार इस नीलामी का बॉयकॉट करेंगे और सीधा कोर्ट में जाएंगे। हो सकता है देवा के साथ आपकी कोई मिलीभगत हो। नीलामी शुरू करो। 3 लाख। 3,50,000। चार लाख। 4,50,000। 5 लाख। 6 लाख। 6 लाख। 1। 6 लाख। 2। 6 लाख। 10 लाख। 10 लाख। 1। 10 लाख। 2। 10 लाख। 3। कलेक्टर साहब, ये रहा 10 लाख रुपया कैश। देवा साहब ने अचानक ठेके का कागज क्यों फाड़ दिया? कलेक्टर साहब, लोग शराब का ठेका लेते हैं धंधा करने के लिए, लेकिन हमारे मालिक ठेका लेते हैं धर्म करने के लिए। हमारे इलाके में कोई भी आदमी शराब बेच नहीं सकता। We'll be right back.
झूमे ये ज़माना। जमी पे दाता का रूप लेके दाता से मिल लिए हम एक बार तुझको मिलके। आए हो तुम जमी पे दाता का रूप लेके दाता से मिल लिए हम एक बार तुझको मिलके। तुम सही तो सारा गांव है, जब हो तुम तुम्हारी छांव है। मुश्किलों में साथ दिया, सब ठीक होगा। नमस्कार, आदाब। कई वारसी साहब कैसे आना हुआ? हुजूर, पीर बाबा के मजार के पास आपकी कुछ जमीन है। हाँ है। वहाँ हम लोग एक छोटी सी मस्जिद बनाना चाहते हैं। जहन नसीब बनाइए, वो जमीन हम मुसलमानों को दे दीजिए। ले जाइए। उसके लिए हम लोगों को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं हुजूर, बिना कीमत चुकाए हम वो जमीन नहीं ले सकते। वारसी साहब, वो जमीन आपकी हो गई, मैं वकील साहब से कागज भिजवा दूंगा। हुजूर, कीमत
हाँ कीमत तो होगी। उस मजार पे जब भी आप अपने लिए दुआ मांगे तो एक दुआ मेरे गांव के लिए भी मांग लिया करें। जी शुक्रिया। उस मजार के निर्माण के लिए ये थोड़ा सा रुपए मेरी ओर से, इसके बाद भी अगर जरूरत पड़े हमें याद कीजिएगा। अपनी जहरीली शराब का असर देख रहे हो? ऐसा हमेशा होता है, हर गांव में होता है। तुम हमारे इलाके में गैर कानूनी शराब बेचते क्यों हो? अरे तो फिर लोग गैर कानूनी शराब पीते क्यों हैं? यानी तुमको अपने किए पर पछतावा नहीं है? मैं गांव वालों को बचाना चाहता हूँ और तुम गांव वालों को बर्बाद करना चाहते हो। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। गांव वालों सुनो, इसे चप्पल का हार पहनाकर गधे पर बिठाकर इस गांव से बाहर निकाल दो, और आज के बाद अगर ये हमारे गांव में नजर आए तो हम इसे जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ। रुको रुको, ले तू भी ले भाई। हाँ तू भी ले भाई। हाँ राजू तू भी ले। क्या बात है झगड़ू, तेरी दुकान में इतनी भीड़ क्यों है? ये सब हमारे ग्राहक है, ग्राहक। तेरे ग्राहक? हाँ। तेरी दुकान पे तो मक्खी तक नहीं पटकती, फिर इतने ग्राहक कहाँ से आ गए? आज सेल लगी है। सेल? सेल चाय की सेल? जी सेल। जरा पटकर तो देखिए क्या डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट? अच्छा, इसीलिए तो सेल हो रही है। जरा पढ़ू तो, सेल सेल सेल, दो चाय पियो और एक चाय मुफ्त पाओ। अरे वाह कमाल है, ये सच है क्या? हाँ सोड़ा ना सच्चे, तुम भी पीकर देखो ना। अच्छा ठीक है, जरा साइड में होना भैया। ला एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। डगड़ू ये अपना आठ चाय पर कितना चाय फ्री? नौ तक पड़े हो, मगर आठ का हिसाब मालूम नहीं। आठ का मतलब चार चाय फ्री। समझ गया। तो भाई एक काम करो, एक दो तीन चार, तुम चारों फ्री वाले हो, तुम जाओ जाओ शाबाश, फटाफट जाओ। फ्री वाले जाओ जाओ। झगड़ू अभी बचे एक दो तीन चार, तो चार पे कितना चाय फ्री? दो दो। बहुत अच्छे, अभी एक काम करो, तुम दोनों जाओ 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 जाओ, शाबाश, फ्री में चाय पिया ना। डगड़ू अभी बच्चे हम दो, दो पे कितना फ्री? एक एक, शाबाश, जा भी जा, तेरा भी हो गया, जा जा जा। डगड़ू ये ले डगड़ू, मेरी चाय का एक रुपया। एक रुपया? अरे एक रुपये में सौ पैसे होते हैं। सौ सौ पैसे? आठ ने चाय पिया चार फ्री, चार ने चाय पिया दो फ्री, दो ने चाय पिया एक फ्री, मुझे तो एक ही रुपया मिला। ये सरासर अन्याय है, आज से सेल बंद। आजकल मेरी बात ही कोई सुनता नहीं। शमा पहले दारू का बॉटल ले गया। आओ मलिक। मालिक क्या हुआ? शिवा। हाँ मलिक। तूने मेरा चेहरा देखा? देखा। क्या देखा? बारह बजे हैं। और क्या देखा? और ये लिखा है मालिक कि आपके बदन से जूतों और चप्पल की बदबू आ रही है। शिवा मेरे पास पैसा है, पावर है, पार्टी है, फिर भी मेरी ऐसी तोहिन हुई। बुरी बात ये नहीं मालिक कि आपकी तोहिन हुई, बुरी बात यह है कि आपने भी उस तोहिन को इस तरह बर्दाश्त कर लिया जैसे जूतों की माला पहनकर गांव से निकाला जाना आपका खानदानी पेशा है। लोग ऐसा समझते हैं? हाँ मालिक। शिवा। हाँ मालिक। मेरे अच्छे नौकर। हाँ? मुझे ये बता। हाँ? कि मेरे जैसे आदमी के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? हाँ? सच बोलो मालिक। सच बोल, सच बोल। सच बोलता हूँ मालिक। सच बोल। इसमें आपके दारू की तरह मिलावट नहीं है। आप जैसे आदमी को तो कोड़े मारने चाहिए। आपको नहीं मालिक, आपको नहीं। शिवा इतने सालों के बाद तूने सच बात कही। शिवा ये शराब पी, ये शराब पी। पी ले, पी ले।
शवा। हाँ मालिक। ये शर्ट पहनो। मालिक पहनो। ये शर्ट तो आपका है। पहनो। बैठो बैठो। हाँ मालिक। दारू पियो। हाँ दारू पीता हूँ। पीले पीले। ये चेन पहनो मालिक। पहनो। हाँ भी पहना तो मालिक। तुम हंस रहे हो? और क्या मालिक, ज्यादा हो गए? आप ही पियो। और सो मालिक, ये क्या कर रहे हैं आप? रतन चौधरी। हाँ रतन चौधरी। ये शर्ट किसका है? रतन चौधरी का। किसकी है? रतन चौधरी का हो गया ना रतन चौधरी। अबे गधे, तुझे गधे पे बिठा कर चप्पलों की माला पहना कर गांव से बाहर निकाला गया था। तू बेशरम है, बेहया है। तुझे तो कोड़ों की मार खानी ही पड़ेगी। मालिक, मालिक, मैं शिवा हूँ। मालूम है मुझे, तू शिवा है मालूम है मुझे। लेकिन मैं अपने आप को कोड़ों से नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हें रतन चौधरी बनाकर कोड़ों की मार खानी पड़ेगी। कौन कौन है? चिल्लाइए मत मां जी, मैं चोर नहीं हूँ, सिर्फ चोरी से आ रहा हूँ। अरे पर पीछे के दरवाजे से क्यों आए हो? मां जी, मैं चक्रव्यूह के सातों दरवाजे तोड़ सकता हूँ, लेकिन सामने से नहीं आ सकता। क्यों? जमींदार साहब जानते हैं कि मैं शादियों का दलाल हूँ, मुझ पर कुत्ता छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा रिश्ता लाया हूँ कि आप इनकार नहीं कर सकेंगी। अच्छा, दिखाओ। ये लीजिए। तू ठीक कहता है, मेरा मन भी यही कह रहा है कि यही मेरे घर की लक्ष्मी बनेगी। हाँ, मगर ये लड़की दहेज नहीं ला सकती। ये तो खुद ही एक दहेज है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। लेकिन जमींदार साहब शादी के लिए मान जाएंगे? अगर ऊपर वाले ने कुंडली मिला दी होगी तो वो कौन होता है इनकार करने वाला? यही मेरी बहू बनेगी। अपना भी हो
गांव में हाजत की लड़ाई हो रही है। अच्छा चल। मैंने सबको धूल चटा दिया है। अब मैं इस गांव का नंबर वन पहलवान हूँ। इस गांव में नंबर वन है जसवंत भैया, तुम नहीं। तो बुलाओ जसवंत को, आज फैसला हो जाएगा। ये चमकता हुआ कप मैं घर ले जाऊंगा। जसवंत को हराकर उसके सारे नंबर जीत जाऊंगा। जसवंत कहाँ हो? जसवंत, जसवंत सामने आओ। गए, अगर लड़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ मैदान में। अरे नहीं भाई, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों का खेल देखने आया हूँ। अरे पहले मैदान में तो आ, फिर मालूम पड़ेगा कि खेल क्या है और लड़ाई क्या है। अच्छा आजा जसवंत, लड़ते हैं। अरे नहीं, अरे आ यार। अरे नहीं यार। अरे चलना। क्यों लगा क्या? क्यों? क्या कर रही है? बस
धन्यवाद। ए, भले ही जीतना जसवंत हो लेकिन ये कब मैं रखूंगा, क्या फर्क पड़ता है, हम तो दोनों दोस्त हैं। जसवंत ये। तुम भी जसवंत भैया, एक खुशखबरी है जी, मुझे नौकरी मिल गई और पहली तारीख से ज्वाइन करने के लिए कहा है। उसी स्कूल में मिला ना? जी हाँ, उसी स्कूल में टीचर की नौकरी मिली है और मुझे इस दर्जे पर लाने में आप ही का हाथ है। अरे मैंने क्या किया, तुमने मेहनत की, जी जान से पढ़ाई की, तुम्हें नौकरी मिल गई। चलता हूँ। अच्छा कैसा खरे दिल का इंसान है, खुद तो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दूसरों को पढ़ते लिखते हुए देखना चाहता है। हाँ साहब, रिबन काट के उद्घाटन कीजिए। अरे रे रे रे, मैं नहीं, ये उद्घाटन किसी बुजुर्ग से कराना चाहिए। हाँ आप आइए आइए, आप काटिए। क्या बात है, आते वक्त तो बहुत चहक रहे थे, आप एकदम गंभीर हो। नाराज हूँ। क्यों? अगर उद्घाटन किसी बुजुर्ग को ही करना था तो हम लोग गांव से 7 लीटर पेट्रोल जलाकर इतनी दूर क्यों आए, मेरा कितना नुकसान हो गया। वो कैसे? अगर आप खुद उद्घाटन करते तो कल आपका फोटो पेपर में छपता, साथ साथ मेरा भी छपता, लोग मुझे भी आपके साथ बड़ा आदमी समझते, मगर आपने तो सारा मूड खराब करके रख दिया। मैं आपके साथ आगे से कहीं नहीं जाऊंगा, बाहर में गए आपके उद्घाटन। गाड़ी रोको। क्या क्या हुआ मालिक? मालिक मालिक गलती होगी, मालिक मालिक सुनिए, मालिक गलती होगी, मालिक मालिक गलती होगी, मालिक मालिक सुनिए, नाराज मत होइए मालिक, मालिक गलती होगी, मालिक मालिक ये लीजिए चप्पल, चप्पल में मिठाई मारी है मालिक, मालिक ये लीजिए, नाराज मत होइए मालिक, मैं आपके हाथ। मैं नाराज नहीं हूँ गोपी, बाजार लगाए, माँ के लिए कोई चीज खरीद लेते हैं। मालिक आप तो कमाल करते हैं, अरे ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे गांव में नहीं मिलती, आप खाली अपनी जुबान खोलिए, आपके लिए हर चीज लोग घर पे लाके अपने आप छोड़ देंगे। यही तो तकलीफ है, गांव वाले हमसे कीमत नहीं लेते, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, सही दाम पर सही चीज खरीद लेंगे। चलो चलिए। मालिक मेला तो बहुत बढ़िया लगा है ना? मैं भी सोच रहा कुछ ले लूं अपने लिए। कैसे नहीं है मालिक, सुना नहीं पैसे नहीं है? वो वाला वो वाली नहीं नहीं, उसके बाजू वाला। अच्छा उस तरफ। हाँ। गोपी वो देख वो। मालिक लड़की को देख रहे हो? लड़की नहीं, नीचे देख, चिल्लाओ मत काटेगा। मालिक ने बचा लिया, मालिक ने बचा लिया। ए, क्या कर रहे हो तुम? इसने मुझे हाथ लगाया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आपको अपनी ओर इसलिए खींचा था, सांप काटने वाला था। गोपी तुमने सांप देखा कि नहीं? जी जी मालिक, वो तो काटने वाला था। ए, बकवास बंद करो, ये कोई जंगल थोड़ी है जहाँ पर सांप घूम रहे हो। लड़की से छेड़खानी करने के लिए सांप का बहाना बना? दिखते तो शरीफ हो मगर हरकत इतनी गिरी हुई, शर्मिया तुम्हें ये सब करते हुए। देखिए पहले मेरी बात सुनिए। अरे बात बात हमारे गांव की लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ठहरो, तुम लोग क्यों नहीं समझते, मैं एक अनजान आदमी एक अनजान जगह में एक अनजान लड़की का हाथ पकड़कर इतने लोगों के बीच क्या कर लेता? मैंने जो कुछ भी किया उस लड़की को बचाने के लिए किया। अबे कहानी मत सुना, तुम जैसे मन चलो को ठीक करना हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो तुम ऐसी गलती मत करो ताकि आगे जाकर तुम्हें पछताना पड़े। ए, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी।
आए स्वराज, छोड़ दे उसे, वरना साला यही मर जाएगा। आइंदा अगर हमारे गांव में दिखा तो जिंदा गाड़ देंगे। हमारे गांव की लड़की के साथ छेड़खानी करने की एक छोटी सी सजा है, समझे? कैसा ग्रहण लगा, तुझे कैसा ग्रहण लगा, ये वक्त क्या पड़ा तेरे साथ में, जहर घुला कैसा ये तेरी चाह में, तेरी हंसी को तेरी खुशी को वक्त ने यूं छीना क्यों बता। मालिक इतना कुछ हो गया फिर भी आप चुप रहे? जो कुछ भी हुआ है उनकी नासमझी में हुआ है। जब उन्हें अपनी गलती का पता लगेगा वो भी उतना ही दुखी होंगे जितना कि तुम हो। लेकिन मालिक मैं इनको छोड़ूंगा नहीं यार, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। तुम इस घटना की चर्चा कभी नहीं करोगे। लेकिन मालिक मैंने कह दिया ना, इस घटना की चर्चा तुम नहीं करोगे। हे राम, ये क्या हुआ मेरे गांव में? आपका ये हाल? ये तुम्हारे गांव है? सत्यानाश हो तुम्हारे गांव का। मालिक मालिक आखिर हुआ क्या? एक छोटी सी गलतफहमी और कुछ नहीं। बाजार में एक लड़की को सांप काटने वाला था, मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया, इसी बात से लोगों को मेरी नियत पर शक हो गया। आप अभी मेरे साथ चलिए, मैं उन सबकी गलतफहमी दूर कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, इस बात को बढ़ाइए मां। राम राम। मैं पूछता हूं किसने मारा उस भले आदमी को? किसने मारा? हमने मारा। आप जानते हैं वो कौन था? वो अपने इलाके का सबसे बड़ा आदमी है। दलाली करने आया तू? उसे किसी की दलाली की जरूरत नहीं, उसकी पूजा होती है। यहां से जो हाईवे गुजरती है ना, उसी की सिफारिश से बनी हुई है। नाले का पुल भी उसी ने बनाया है। यहाँ के 10 गांव के प्राइमरी स्कूल भी उसी के बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, हर गांव में उसका मंदिर होगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे गांव की लड़कियों का कच छेड़े। अगर जयंती की जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तुम उसकी पूजा करते? हाँ, इसका मतलब कोई भी बदमाश सांप का बहाना लेकर किसी भी लड़की के साथ छेड़खानी कर सकता है। ये बाजार है, बाजार जंगल नहीं। देख लिया आपने हकीकत क्या है? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा हुआ। बिजली जब भी गिरती है तो क्यों किसी बुलंद चीज पर ही गिरती है? कसम खाओ मालिक, कसम खाओ, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में तुम गांव में किसी को कुछ नहीं बताओगे। लेकिन मालिक इन्होंने इतना कुछ किया आपके साथ और मैं कुछ भी ना करूं, ये तो जाने दो, भूल जाओ उसे गोपी। कसम खाओ, वादा करो। ये कैसा शोर है? किसको क्या हुआ? माँ माँ, ये मामूली चोट। इसे तू मामूली चोट कहता है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ मुझे बता दो। माँ वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी देख के नहीं चलाता? देखो माँ, माँ गाड़ी मैं चला रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। देखो माँ, डॉक्टर ने मरहम पट्टी कर दी, इंजेक्शन दे दिया, गोलियां भी दे दी, दो चार दिन में सब ठीक हो जाएगा। आओ गोपी, इस एक्सीडेंट में भांजा जख्मी हुआ है, लेकिन तुम्हारे बदन पर एक भी खराश नहीं आई है।
बता ये सब कैसे हुआ? मैं पूछता बता। बस मुझे एक झटका लगा और फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। बात समझाया मैंने कि आहिस्ता चला है। आज फिर आ गया तू? चला जाए ऐसे, वरना मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। रामू भगा दो इसे यहां से। एक गिलास गर्म पानी लेकर आओ। तू जाता है या नहीं? देख, मैं उस दिन आया था तो तेरी सेल बंद हो गई थी। आज मुझसे बहस करेगा ना तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी। अरे चाय किसने मांगी है? मुझे एक गिलास गर्म पानी चाहिए। अरे भाई साहब, सेल के बाद में गर्म पानी और हमारे चाय में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ला। वहां तो तेरी जान बच गई, मगर यहां तुझे नहीं छोड़ूंगा। बता बता उन्हें चोट कैसे लगी? कहा ना वो एक्सीडेंट था। ये कैसा एक्सीडेंट था गोपी? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ और हमारे मालिक घायल हो गए। लेकिन मैं एक्सीडेंट किस सड़क पर हुआ? मैं किस गांव में हुआ गोपी? अब तो सच्चाई बता दे, वरना तेरा एक्सीडेंट मेरे हाथ हो जाएगा। मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं मालूम है। तुझे मालूम है? हाँ, मालूम है गोपी। अगर किसी को मालूम है तो सिर्फ तुझे मालूम है। बता बता गोपी, जल्दी से बता दो वरना मैं कहता हूँ। बता लो मुझे। सुनना चाहते हो तो सुनो। मालिक को शांतिपुर के लोगों ने मारा। खूब मारा, जम के मारा, बहुत मारा। और क्यों मारा सुनोगे? क्योंकि मालिक ने लड़की की जान एक साहब पे बचाई, इसलिए मारा। क्या कह रहा है? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ मामू। चलो मेरे साथ, उस गांव की ईंट से ईंट बजा देंगे, उसको तहस नहस कर देंगे, पूरे गांव में आग लगा देंगे, मालिक के एक एक घाव का बदला एक एक जान से लेंगे। चलो मेरे साथ। मैं रामपुर जा रहा हूँ, देवा से माफी मांगने अपनी गलती के लिए। माँ इतनी रात गए बेटी, कल सुबह चले जाना। कल सुबह तो बहुत देर हो जाएगी माँ, मेरे गुनाहों का कर्ज इतना बढ़ जाएगा कि शायद मैं चुका नहीं पाऊंगा। अभी तो वो बहुत गुस्से में होगा, कुछ कर दिया तू, मैं जाकर उससे माफी मांग लूंगा बेटे। नहीं बाबूजी, गलती मेरी है, माफी भी मैं ही मांग लूंगा। लेकिन क्या वो माफ कर देगा? जो खामोश खड़ा मार खा सकता है वो माफ भी कर सकता है माँ। यशवंत, यशवंत गांव वाले भी बहुत डरे हुए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप लोग फिक्र मत करो, इस मामले को मैं सुलझाऊंगा। देवा के चरणों पर सर रखकर मैं उससे माफी मांगूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे माफ कर देगा। यशवंत, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं सूरज, मैं अकेले ही जाऊंगा। वो सो रहा है, कल मिल लेना ना। नहीं, आज और अभी मिलना है, बहुत जरूरी है। वो आज नहीं मिल सकता, उसका एक्सीडेंट हुआ है। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें मैंने मारा है। क्या तूने मेरे बेटे को मारा? मेरे लाल को मारा तूने? क्या जानता है मेरे बेटे के बारे में? सारे गांव की मुसीबत मेरा बेटा हल करता है। मेरा बेटा, उसके पाँव की धूल लोग चंदन समझकर अपने माथे पे चढ़ाते हैं। उसे मारने की हिम्मत कैसे की तूने? मैं तेरा फूट की जाऊंगी। माँ क्या करियो? माँ छोड़ दो हमें, माँ कर दीजिए।
जमींदार साहब हमें माफ कर दीजिए। उठो, ये क्या कर रहे हो भाई, तुम यहां कैसे आ गए? मैं अपने ओर से, अपने गांव वालों की ओर से आपसे माफी मांगने आया हूं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे नहीं, इंसान से तो गलती होती है। तो आपने हमें माफ कर दिया? माफ तो उसी वक्त कर दिया था जब तुम्हारे गांव से निकला था। मेरे गुस्से की उम्र इतनी लंबी नहीं होती कि आप तक मेरे साथ रहे। देख लो, गांव वाले तो दूर, मैंने तुम्हारे गांव की बात अपनी मां को भी नहीं बताई। आप वाकई महान है। पहली बार घर आए हो, मां खाना खिला। बचा नहीं पाएगा। माँ, नहीं खोलेगी तू? मैं तगड़ू आग लगा ले। अरे आगे पीछे से आग लगा दो इस घर को। लगा दो।
मैंने कहा था तुम लोग को हमला करने के लिए। मार मुझे पड़ी थी, सर मेरा फटा था, गुस्सा मुझे आना चाहिए था, और बदला लेने तुम लोग चले गए हो। तुम लोगों ने वही किया जो मैं नहीं चाहता था, और तुम लोग अपने पतियों अपने भाइयों को रोका नहीं, बल्कि उनके हाथ में चाकू कटार देकर कहा कि जाओ इंसानों को काट कर आओ। धिक्कार है। नमस्ते। नमस्ते। आइए कलेक्टर साहब, मुझे बताइए कि उन लोगों का कंडीशन कैसा है जो घायल हुए थे। उन लोगों को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मैं उनको देखने जा रहा हूँ। मैं उनको अपने खर्चे से शहर के बड़े हॉस्पिटल में दाखिल कराऊंगा। नहीं सर, आज आप नहीं जा सकते। सिचुएशन इज वेरी सीरियस, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। आप एक दो दिन के बाद जाइए। एक दो घर जल गए होते तो बात और थी, यहाँ तो सारा गाँव जल गया है। सर, सीएम का वायरलेस मैसेज था कि आपकी सिक्योरिटी के लिए एक पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाए। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो कुछ हो गया है अनजाने में हो गया है। अब मेरी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं होगा। मैं सीएम से बात कर लूंगा। इस गांव को सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं। देख लिया अपनी करनी का नतीजा, कभी कलेक्टर आ रहा है कभी पुलिस आ रही है। मैंने अपने बेटे को आज तक इतना परेशान कभी नहीं देखा। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी तुम्हें पलटन लेकर दूसरे गांव जाने की? भगवान जाने अब क्या होगा। मैं उस गांव में घायल नहीं हुआ था, मुझे घायल तुम लोगों ने किया है। उन लोगों ने मेरे शरीर पर चोट पहुंचाई थी, तुम लोगों ने मेरे दिल पर चोट की है। अरे मूर्खों, जिसने मुझे मारा था वो एक मामूली इंसान था, और इंसान से गलती हो जाती है। और जब उसे गलती का एहसास हुआ तो रात के 12 बजे आकर मेरे पैरों पर गिर पड़ा, रोया, गलती के लिए माफी मांगी। मैंने उसे माफी भी दे दी और इस बात का भरोसा दिलाया कि मेरी ओर से बात खत्म हो गई। जिस वक्त मैं उसे माफ कर रहा था, भरोसा दिला रहा था कि मेरी ओर से यह बात खत्म हो गई, उस वक्त तुम लोग उसका गांव जला रहे थे। तुम लोगों ने उनके भी घर जलाए जो बेगुनाह थे। तुम लोगों ने उनको भी मारा जिनका कोई कसूर नहीं था। किसने कहा था तुमको, किसने कहा था तुमको मेरा बदला लेने के लिए? तुम लोगों ने मुझे सबके सामने धोखेबाज साबित कर दिया है ना। तुम भी गए थे? हाँ, मैंने दो को मारा। धिक्कार है, अभी तक मुंह से मां के दूध की महक नहीं गई और खून की प्यास लग गई, और यह आपका मुल्क तुम जैसे नौजवानों से हाथ लगाए बैठा है। मालिक, आपको घायल देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। चुप! मैं इस गांव को अपना घर समझता था, तुम लोगों को अपना परिवार समझता था, सोचता था तुम लोगों की सेवा करता हुआ अपना जीवन गुजार दूंगा। लेकिन नहीं, कातिलों का ये गांव मेरा घर नहीं हो सकता, ये हथियारों की जमात मेरा परिवार नहीं हो सकती। आज से तुम लोग मेरे कोई नहीं, मैं तुम लोग का कुछ ही नहीं हूं। मेरे सामने इंसानियत की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, और मेरे जाते ही मेरे पीठ पे चाकू भोंक दिया। नहीं मेरे भाई, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। नहीं, झूठ बोलते हो तुम, झूठ बोलते हो। तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे गांव वाले एक मच्छर तक नहीं मारते। अगर माफ नहीं करना था तो जिस पर मेरा सर तुम्हारे पैरों पर था उसे वही काट कर अपने घर के दरवाजे पे लगा देते। हमने तो सिर्फ तुम्हें घायल किया था, तुमने हमारे आधे गांव को खत्म कर दिया। वाह,
इतिहास के महापुरुषों का यहाँ कोई निशान नहीं। क्या समझकर तुमने अपना पुतला यहाँ खड़ा कर दिया है? उस जलोंग सामने खामोश खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? और हिम्मत तो आ गई। उस दिन मेरे घर हाजिरी में मेरे गांव में आकर उसे शमशान बना दिया। आज मैं तुम्हारे गांव में तुम्हारे सामने तुम्हारे शैतानी देव को मिट्टी में मिला दूंगा। हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। मालिक अब बर्दाश्त नहीं होता। जानते हो ये क्या है? तुम नहीं जानते, मैं बताता हूं। ये राग नहीं, ये मेरी मां थी, ये मेरे पिता थे, ये गांव वाले थे। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति। मैं जा रहा हूं, लेकिन आज के बाद तुझे एक पल भी चैन से जीने नहीं दूंगा। तुम्हारे खानदान को मिटाकर तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैंने मना किया था ये मूर्ति यहां खड़ी मत करो। मेरी बात तुम लोगों ने नहीं मानी। अब दोबारा इसे मत बनाना। कहां जा रहे हो? आज विष्णु पूरा दुनिया से मिट जाएगा। जब तक सारे गांव को खत्म न कर दे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी। अगर विष्णु पूरा खत्म करना चाहते हो तो लौट जाओ। क्या मतलब? दुश्मनों पर हमला करने से पहले उनकी ताकत को तोड़ लेना सीखो। तुम लोग गिनकर 100 आदमी भी नहीं, उसके पीछे 100 गांव हैं। उन पर कब हमला करना, कैसे हमला करना, वो मैं बताऊंगा। अगर मुझ पर विश्वास है तो शांत रहो और अपने अपने घर चले जाओ। जयंती, क्या करूं? पागल हो गई? मरना क्यों चाहती हो? अब जीकर क्या करूंगी, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मरकर क्या कर लोगी? मरने के बाद माँ के मरने का गम तो नहीं होगा। जबकि तुम्हारे माँ के जलाने वाले जिंदा है तो मैं मरने का कोई हक नहीं। जब सारा गांव मिलकर एक कातिल का कुछ नहीं कर सका तो मैं अकेले क्या कर लूंगी? जो सारा गांव नहीं कर सका वो मिलकर हम करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। शिवा, ओ शिवा, मालिक इधर आओ। नहीं मालिक। क्यों नहीं, क्यों नहीं? माफ करना मालिक, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। शिवा तो अच्छी तरह से जानता है जब भी मैं दारू पीता हूँ एक आदमी मेरे साथ होना चाहिए। इसलिए तो बोल रहा हूँ मालिक, मैं इस खतरनाक वक्त पे नहीं आ सकता। शिवा सरकार, सरकार मैं आपके लिए बहुत अनहोनी खबर लेके आया हूँ सरकार। अच्छा, कैसे खबर? रामपुर के जसवंत ने सबके सामने देवा की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया सरकार। अच्छा? हाँ सरकार, मैं अपनी नाकों से देख के आऊँ सरकार। अच्छा, लो दारू पियो। पियो, पियो। धन्यवाद सरकार। पियो। क्या काम से? अब तू कोड़े खाएगा पूरा सू पिएगा। हाँ
बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लाइए मालिक। ये लो, ये लो। ये बनाइए। बहुत अच्छा हुआ। रतन चौधरी। अरे नहीं नहीं सरकार, हम रतन चौधरी नहीं बल्कि शिव प्रसाद है, शिव प्रसाद। ये कोट किसका है? रतन चौधरी का। ये चेन किसकी है? रतन चौधरी का। तो हो गया ना तू रतन चौधरी। अबे थू, लानत है तुम पर। जो काम तुझे करना चाहिए था वो जसवंत करके चला गया और तू सिर्फ सोचता रह गया। आज मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। पीछे से वार करना कायरता है, सामने से सीने पर वार करो। लो फिर से कोशिश करो। यही है, यही है हमारे गांव का हथियारा। इसे निकाल दो यहां से, निकाल दो इसे यहां से। मौत के सौदागर, याद रखना इस गांव की एक एक मौत का बदला लूंगा मैं। चले जाओ यहां से। मुझे गलत मत समझो, देखो मैं तुम लोगों के लिए रुपया लेकर आया हूँ मदद करने के लिए। तुम्हें क्या हक है हमारी मदद करने का? तुमने ही तो हमारी हालत बनाई है। तुम्हारा रुपया इस बच्चे की माँ ला सकता है, उस माँ को अपना बच्चा दिला सकता है, इस आदमी की कटी हुई टांग मिल सकती है। पहले हमारे गांव को जलाकर तबाह कर दिया और अब रुपया लेकर आए हो मुर्दा खरीदने। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी मदद। हमारे लिए जसवंत है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ। लामत डॉक्टर, इसे बोले यहाँ से चले जाए, चले जाए यहाँ से। सर इफ यू डोंट माइंड प्लीज। नफरत सी सबके दिल में पैदा हो गई है, समझे ना कोई भी यहाँ, सच क्या है झूठ क्या है, ये कैसी दास्ता है, जाने ना कोई भी यहाँ। एक रब जानता तूने न की खता, फिर भी क्यों मुजरिम तू बन गया पता, दिल में अंधेरा क्यों हो गया पता। अरे ओ सूरज के जैसा है तू एक आदमी, तुझे कैसा ग्रहण लगा, कैसा ग्रहण लगा। देवा क्या हुआ बेटा? दुनिया में ऐसा भी कुछ हो सकता है जो मेरे बेटे को इतना दुखी कर दे कि उसे उसकी मां भी नजर ना आए? हाँ तेरी माँ तुझसे कुछ पूछ रही भांजे? तू भी तो इनके साथ गया था। हाँ साहब। क्या हुआ इनको? मालिक रुपए लेके हॉस्पिटल गए थे मगर गांव वालों ने बेइज्जती की। हे भगवान, मेरे बेटे को ये किसकी बुरी नजर लग गई? जो भी आती है बुरी खबर आती है, मेरे बेटे ने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ऐसा क्यों होता है? माँ, जो लोग मेरे गुनहगार थे वही मुझे गुनहगार समझ रहे हैं।
उन्हें दवा के बिना मर जाना मंजूर है, लेकिन मेरी मदद मंजूर नहीं। ऐसा क्यों हो रहा मां, तो क्यों नहीं समझते मुझे? अस्पताल में जो तुम्हारे साथ हुआ वो तो कुछ भी नहीं है बेटा। यहां हमारे गांव में तुम्हारी इज्जत का सत्यानाश किया जा रहा है। वहीं सारा गांव जमा है। जी, वो दिया है, अब तो तुम्हारा कलेजा ठंडा हो गया होगा ना। अगर उस दिन मेले में तुमने मुझे सांप से नहीं बचाया होता तो मैं अकेली मर गई होती। मेरी माँ नहीं मरती, गांव वाले नहीं मरते, हमारा गांव नहीं जलता। तूने एक ही रात में सारे गांव को जलाकर शमशान बना दिया, चांडाल है तू। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि गांव वालों ने मुझे गांव से निकाल दिया है। इसलिए निकाल दिया है कि सबको मरवाने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं तुमसे ये पूछने आई हूँ कि अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए अब कौन सा रास्ता बचा है, जिंदा रहूँ या मर जाऊँ? बोलता क्यों नहीं जल्लाद, खामोश क्यों है? तू नहीं बोलेगा, जो मेरे साथ हुआ है अगर वही तुम्हारे गांव की किसी लड़की के साथ हुआ होता तो तू जरूर बोलता, लेकिन लेकिन मेरे लिए तुम्हारी जबान बंद रहेगी, क्योंकि मैं कोई नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं। बस अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी बात समझ नहीं पाओगे। मैं इस गांव का जमींदार हूं, मैंने शपथ ली थी मैं कभी शादी नहीं करूंगा, जीवन भर इन लोगों की सेवा करूंगा। मेरे मरने के बाद मेरी वंश परंपरा खत्म हो जाएगी और जो कुछ भी मेरा है इन लोगों का हो जाएगा। लेकिन ये गांव वालों का दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने चुपके से जाकर तुम्हारे गांव में पाप किया। आप गांव वालों के इस महापाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं अपना वचन तोड़ता हूं और अपना कर्म अपना धर्म देकर तुम्हें अर्धांगिनी बना सकता। अगर मेरे इस फैसले से तुम्हारा इंसाफ होता है तो आओ मेरे साथ। कहाँ गई थी अपने गहने और बनारसी साड़ी दिखाने? शादी में। किसके? देवा की शादी। झूठ बोलती हो तुम, देवा तो शादी कर ही नहीं सकता। अजी शादी तो हो भी गई। हाँ मालिक, देवा ने शादी कर ली। शादी की? हाँ, उसकी शादी हैरानी की बात नहीं है मालिक, हमारे लिए खतरे की बात है। इस शादी ने दो दुश्मनों को एक कर दिया। कैसे? देवा की शादी रामपुर की जयंती से हुई और सूरज। बस करो बस करो, खोलता हुआ तेल मेरे कानों में मत डालो। रतन चौधरी तू है तुझ पर, तुम दो दुश्मनों को मिलने से रोक नहीं सके, शर्म आनी चाहिए तुझे। आज तो तुझे कोड़े की मार खानी पड़ेगी। शिवा कोड़ा लेके आओ। मालिक मालिक, कोड़े की जरूरत नहीं है, रतन चौधरी अपनी गलती खुद सुधार सकता है। रतन चौधरी इतना निकम्मा है
कि कोड़े की मार खाए बिना सुधर ही नहीं सकता। अच्छा कोड़ा लेके आओ। रतन चौधरी भैया, भैया खाना खा लो। नहीं। क्यों? यूं ही। भैया, भैया कब तक भूखे रहकर मरने वालों का शोक मनाते रहोगे तुम? आज बहुत उदासी से महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ हार गया हूं, कुछ खो दिया है। जसवंत, जसवंत, मैं सारे गांव में तुम्हें तलाश कर रहा हूं और तुम यहां उदास बैठे हो। आज तो जश्न की रात है यार, नफरत और बदले की मशाल लेकर जयंती दुश्मन के घर में घुस चुकी है। अब हम अपने गांव के शहीदों का बदला जरूर मिलेगा। दुश्मन बहुत चालाक है, हो सकता है वो नफरत की मशाल को लेकर अपना घर रोशन कर ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जयंती अपनी माँ की दर्दनाक मौत कभी नहीं भूल सकती। ऐसा होता तो अच्छा होता। ऐसा ही होगा, क्योंकि अब तक दुश्मन की जन्म पत्री पर हमारे शतरंज की चाल बिक चुकी होगी और तमाम सिपाही होने के बावजूद बादशाह मारा जा चुका होगा। दुआ करो बादशाह के किले में हमारी रानी न गिर जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता जसवंत। देवा ने पुकारा। अरे नहीं नहीं। अरे मैंने अपने कानों से सुना है। अरे तुमको तो हमेशा अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, सुहाग रात के दिन क्या माँ माँ पुकारेगा? सो जाओ। मेरा नहीं तुम्हारा निशान छुप गया है। जयंती, पत्थर तो तुम कभी भी उठा सकती थी, मगर पत्थर उठाने से पहले जान लिया होता, परख लिया होता कि सच्चाई क्या है। खैर, तुम्हारे गांव के लोग कुछ करने से पहले सोच विचार नहीं करते, हड़बड़ी में सब काम गड़बड़ी का करते हैं। रो मत! पता नहीं लोग मुझे समझते क्यों नहीं। पीछा छूटा इस मानुष से, कम से कम आज की रात तो चैन से सोऊंगा। ये तो देखा था कि पतियों का झूठन बीवियां खा लेती है, आज पहली बार देख रहा हूं कि बीबी ने अपना हिस्सा पहले ही चूस लिया। पहले ही पी लिया ताकि आपको ये तसल्ली रहे कि ये चाय पीने में कोई खतरा नहीं है। देखो जयंती, मैंने कमरे से वो पत्थर हटा दिया है, अब तुम भी अपने मन से वो बोझ उतार दो। मुझे जहर देना, मुझे मार देना अब तुम्हारे बस में नहीं है। जिसने भी तुम्हें यहां भेजा होगा उसका जो कुछ भी मकसद रहा होगा, अब वो हार गया है, मैं जीत गया। तुम्हारे गले में मेरा यह मंगलसूत्र मेरी हिफाजत का पहरेदार है, मेरे खिलाफ तुम्हें कुछ नहीं करने देगा। क्यों भांजा, कैसे हो? आइए मामा जी, आइए। क्या हुआ, लंगड़ा क्यों रहे हो भाई?
वो अंधेरे में पाँव जरा वो ऊपर नीचे हो गया। भांजे जवान आदमी हो, अंधेरे में भी देखना सीखो। कौन है आप? तुम? हाँ मैं भाभी जी। औरत बने हो? आपसे मिलने के लिए। भाभी जी कल रात आपकी सुहाग रात थी, आपकी सपनों की रात थी, आपकी सबसे हसीन रात थी, लेकिन कल मैंने रात भर मालिक को छत पे टहलते हुए देखा, इसलिए कि अब उनके मन में प्यार नहीं है, क्योंकि उनका मन अब जलता है उन लोगों के लिए जो बेचारे जल के मर गए, खाक हो गए मेरी वजह से। उनको उन लोगों के जलते हुए बदन की चीखें सुनाई देती है भाभी जी। तो आग मैंने आपके गांव में लगाई थी वो तो कब की ठंडी हो चुकी है, लेकिन अब जो आग मालिक के मन में लगी है वो मालिक के मन को तन बदन को धीरे धीरे जला के राख कर रही है भाभी जी। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ कि आप उनको फिर से प्यार कीजिए, क्योंकि यह आग आप ही बुझा सकती है। इतना प्यार कीजिए कि उनको एक बार फिर से इंसानी रिश्तों पर भरोसा हो जाए भाभी जी। उनका कोई कसूर नहीं है भाभी जी, सब दोष मेरा है। मेरे गांव में आग तुमने लगवाई थी? भाभी जी मैंने ही लोगों को ले जाकर आपके गांव पे हमला बोल दिया था, उन्होंने तो मुझे कसम दिलाई थी कि मैं किसी से कुछ ना कहूं, लेकिन मैं जाता हूं। ठहरो। भाभी जी मैंने मालिक की कसम तोड़ी है, उनका दिल दिखाया है, मैं अब किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं। भाभी जी मालिक निर्दोष है, आप उनसे बहुत प्यार कीजिएगा, उनका दिल मत तोड़िएगा। अब चलता भांजे, पता नहीं किस पागल ने वो पत्थर उठाकर तुम्हारे कमरे से बाहर फेंक दिया था, मैंने उसे अंदर रख दिया है। वो पत्थर? हाँ, वो हल्दी पीसने वाली सील, बहुत ही पवित्र पत्थर है, वो जब तक तुम्हारे कमरे में रहेगा तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, और बहू से कहना उसे संभाल कर रखे, वो बहू के बहुत काम आएगा। है अच्छा है। इस पत्थर को बाहर फेंक कर सोचा था कि मुसीबत से छुटकारा मिल गया, लेकिन मौत का रास्ता कौन रोक सकता है। मेरे आने से पहले ही मेरी मौत कमरे में आ गई है। देखो आज की रात गलती नहीं करना, तुम्हारी आसानी के लिए मैं अपना सर इस तरफ रखकर सोऊंगा। मैं बुरे ख्यालों का तकिया लेकर नहीं सोता, इसलिए जल्दी सो जाता, और बहुत सी खूबसूरत चीजें जो जिंदगी में नहीं मिलती मुझे सपनों में मिल जाती। मैं तुमसे एक वादा चाहता हूं, तुम अपने पत्थर से मेरे इन खूबसूरत सपनों को घायल नहीं करना, इस तरह अचूक वार करना कि मुझे पता ही नहीं चले कि कब जिंदगी की मुलाकात मौत से हो गई। और तुम्हारे इस एहसान के लिए मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगले जन्म में भी मैं तुम्हें अपनी धर्म पत्नी बनाऊंगा। ये मरने से पहले पानी क्यों पीऊं? प्यासा ही मरूं तो ज्यादा अच्छा है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप इंसान नहीं देवता हैं। अरे देवता नहीं, सिर्फ पति ही समझो, इसी में हमारा, हमारे परिवार का, हमारे समाज का कल्याण है। आपने मुझे माफ कर दिया ना? इस बात की माफी, मैंने कभी भी तुम पर शक नहीं किया। औरत जिंदगी को जन्म देती है, वो किसी की जिंदगी नहीं ले सकती।
पोशाक में प्रायश्चित कर रहा हूँ मालिक, आपके खिलाफ वादा खिलाफी की मैंने। मालिक मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं आपकी गाड़ी के नीचे आके जान दे दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। आओ बैठो। जी मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं वही जाता हूँ। तुम्हें तो मंदिर की हर मूर्ति की पूजा करनी है। हाँ, सबका आशीर्वाद मिले तो अच्छा ही है ना। तो ठीक है, ले लो आशीर्वाद। भगवान, तुम्हारी बहुत बहुत कृपा है, मुझ जैसी गरीब को तुमने इतना कुछ दे दिया कि मेरे आंचल में समा भी नहीं सकता। बस तुमसे एक ही प्रार्थना है, हमेशा मेरे पति की रक्षा करते रहना।
सूरज भैया। अच्छा तो तुम पूजा करने इस गांव आई हो हा? उसके उम्र की लंबी दुआ मांग रही हो जो तुम्हारी माँ का हत्यारा है, हमारे गांव का कातिल है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे गले में 2 रुपए का मंगलसूत्र डाल दिया। नहीं सूरज भैया, वो बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा इंसान है, जाओ जाकर अस्पताल से घूम कर आओ। बच्चों और औरतों की चीखें तुम्हें बताएंगी कि वो कितना भला इंसान है। सूरज भैया, हम सबको गलतफहमी है, उस कांड से उनका कोई रिश्ता नहीं है। आखिर हमारा खून ही हमसे गद्दारी कर गया। कोई बात नहीं, तुम्हें अपने गद्दारी का अंजाम जरूर मिलेगा। नहीं नहीं सूरज भैया, मंदिर में खड़े होकर ऐसा मत कहो। अरे तब से एक ही मूर्ति के सामने खड़ी हो, अभी तो बहुत से देवता आए हैं। क्या बात है, बहुत डरी हुई लग रही हो, आंखों में आंसू। नहीं नहीं, वो हवन का धुआं लग गया इसलिए। चलो ए, क्या खोज रहे हो? पूछो, मेरा दिल क्या खोज रहा है? पीछे अपने हाथ में क्या छुपाया है? क्या होगा मेरे हाथ में? तुम्हारे हाथ में झाड़ू होगी। हाँ? हार गई ना, मेरे हाथ में तो मेरा दिल है। अरे मेरी बा, तूने कहीं मेरा फूल देखा? फूल फूल? जो अपना दिल अपने हाथ में नहीं रख सकता, वो अपने दिलबर को क्या रखेगा? कोई बात नहीं, मैं दूसरा फूल लेकर आता हूँ। चल मेरी जलेबी। चल। ये अपना दिल लेने क्या है? अरे हर गली में, हर घर में, हर बाजार में इसका एक एक दिल पड़ा हुआ है। इसका यही हाल है, जितनी लड़कियां देखता रहता है उतने दिल निकाल निकाल के देता रहता है ना। इसकी बातों पे भरोसा मत करना, और हाँ सबसे ज्यादा सावधान उस मामू से रहना। क्यों, मामा से कोई खतरा है क्या? खतरा? अरे महा खतरा, वो जो मामा है ना, वो टोना करता है, जादू टोना। जादू टोना? हाँ, अरे अगर कोई लड़की मामू की बात सुनने लगे ना, तो मामू उसके ऊपर जादू टोना कर देता है। इसलिए तुम मामू को बात करने का मौका ही मत देना। जो भी बात करनी हो तुम मुझसे करना, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ ना, क्योंकि मैं तुम्हें तहे दिल से प्यार जो करता हूँ। तुम अगर चाहो तो मेरे दिल की धड़कन भी सुन सकती हो नैनावती। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे दिल से तो खराब इंजन की आवाज आ रही है नैनावती। बहुत ज्यादा मेरे बारे में बोल रहा है, क्यों? तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। अरे मामू, अरे कैसे खाना खिला रहे हो भाई, देखते भी नहीं हो। पत्तल में दाल भी नहीं है, चावल भी नहीं है, हर चीज तो यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के मांगनी पड़ती है। अरे चिल्लाना तो तेरी आदत है, अबे दाल चावल जो पड़े हैं उसे चाट लेना। चाट लूं? मैं कोई कुत्ता हूँ जो पत्तल चाट लूं? अबे कुत्ते का अपमान मत कर, कुत्ता भूखों मर जाएगा लेकिन दूसरे की गली में खाना नहीं खाएगा। मामा, और तू जहाँ मुफ्त का खाना देखा कि यतीमों की लाइन में जाकर बैठ जाएगा। देख मामा, मुझे कुत्ता कह ले, लेकिन मुझे यतीम मत कहना। अरे यतीम नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ, न कोई आगे न पीछे, कोई है तेरा? हाँ है, मेरे मालिक है, और जिस गांव में मालिक हो ना, उस गांव में कोई यतीम भला कैसे हो सकता है? अरे तुझ जैसे 2-4 यतीम अगर जो मालिक को और मिल गए ना, तो मालिक की तो पोजीशन खराब हो जाएगी। और देख, तेरे बाजू वाला खाना खाकर चला गया है, उसका बचा हुआ खाना खाना है तो खा ले, नहीं तो चला जाए ऐसे। तू मुझे झूठा खाना खाने के लिए बोल रहा है? और क्या खाएगा तू, कोई बहुत बड़ा साधु संध्या महात्मा है? यतीम कहेगा? देख मामू, तू मुझे बार बार यतीम बोल रहा है, बार बार यतीम बोल रहा है, ये बात ठीक नहीं है। क्या कर लेगा तू? मैं अन्नदाता की कसम खाकर बोलता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद यहाँ का खाना कभी भी नहीं खाऊंगा। मैं कभी खाना नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा यहाँ पर, मैं मर जाऊंगा यहाँ, खाना कभी नहीं खाऊंगा। अरे जा जा, कभी यहाँ नहीं आऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा मैं। ये बारिश बादल उस वक्त कहाँ थे?
जब हमारे गांव में आग लगाई गई थी। उस आग को भूल जाओ जसवंत, क्योंकि वो आग हमारे दुश्मनों ने लगाई थी। अपने ही खून ने ऐसी करनी की है कि सुनोगे तो बादल से आग बरसने लगेगी। क्या बात? हमारी रानी बादशाह के किले में घुस चुकी है। जयंती ने इस गांव से गद्दारी की है, दुश्मन की बहू बन चुकी है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे दुश्मनों के नाम में एक और नाम बढ़ गया। लेकिन मैं उसे गद्दारी नहीं करने दूंगा। मैं तुम कुछ नहीं करोगे, जो कुछ भी करना है वो मैं खुद करूंगा। ये क्या, ये घुंडों के बल क्यों चल रही है? लोगों का विश्वास है कि इस तरह मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पति पत्नी का साथ नहीं छूटता। मगर ये ख्याल ही क्यों आया कि पति पत्नी का साथ छूट सकता है? नहीं, मुझे डर है जसवंत और सूरज, हम दोनों को अलग कर देंगे। तुम पागल हो गई हो, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। अरे शांत हो जाओ, ठहरो बाबा। मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे बाबा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। खाना अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और आ भी जाएगा। आप लोग सबको मिलेगा। चिंता मत करो, खाना तैयार है ना? जी हाँ। बच्चे भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लो, स्कूल की गाड़ी भी आ गई। गोपी किधर है? मालिक वो नाराज होके घर छोड़ के चला गया। आप किधर हैं? उठो, गाड़ी में बैठो। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी इज्जत नहीं रही। ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? जो भी समस्या थी मुझे बता सकते थे। यहां अकेले पड़े खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। ऐसा मत कहिए मालिक, मैं उसकी जली कटी बातें सह नहीं सका। मुझे यतीम कहा उसने। किसने तुम्हें यतीम कहने की हिम्मत की? मामा जी ने। भाभी जी, आपको माँ जी ने बुलाया है। अभी आई जी। गांव जलाया था, अब ये खाना खाकर तुम्हारे हाथों ही मरेंगे। अरे चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, बच्चे वहां भूख से पिलक रहे होंगे। यार मालिक डांट देंगे हमको, जल्दी करो, बर्तनों में डालो खाना, लेके जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। अरे तुम भी भरो यार, देख क्या रहे हो, मालिक डांट देंगे हमको यार। चलो, वहां क्यों खड़े हो? यहां आओ जी। तुम्हें यहां किस लिए रखा गया है? खाना कैसे परोसना है मुझे सिखाना पड़ेगा? जानते हो यहां कैसा खाना बनना चाहिए? जो दूसरों का यहां बनता है उससे भी अच्छा और मजेदार खाना बनना चाहिए। इसी काम के लिए किसी और को रखने के बजाय मैंने तुमको रखा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाओगे, हर एक को पेट भर के खाना खिलाओगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जाओ यहां से। जानते हो ये कौन है? इसकी यही गलती है कि यह मेरी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ। तुमने यतीम कहा इसे? जब तक मैं और मेरी मां जिंदा है यहां कोई यतीम नहीं है, यह बात अच्छी तरह से समझ लो। आओ गोपी, इस खाने पर तुम्हारा पूरा हक है। आओ, मैं तुम्हें खाना परसूंगा। बैठो। जयंती, खाना लेकर आओ।
चलो खाना खाओ। मालिक, मैंने तो सोचा था कि भाभी के हाथ का बना खाना मेरे नसीब में नहीं है, लेकिन आपने तो अपने हाथों से मुझे। चलो खाओ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, सबको खाना परोसो और जो गोपी को चाहिए दे देना। जाओ। जी, जी मालिक। मालिक क्या गोपी? भाभी ने बहुत मजेदार खाना पकाया है, आप ही चक्कर देखिए ना। अब सुनिए, आज तो आपने अमावस का व्रत रखा है, पूजा खत्म करके आपको खाना खाना है, आप भूल गए क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मैं पूजा के बाद खाऊंगा, तुम खाओ। जी मालिक। मालिक, मालिक, वो गोपी खाते खाते बेहोश हो गया। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी, तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी, गोपी तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोपी क्या हुआ? गोपी क्या हुआ? मालिक, इतना किसी ने खाने में कुछ मिला दिया है, ये खाना किसी को मत परोसिए, ये खाना मत परोसिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा गोपी, कुछ नहीं होगा। सुनो, ये खाना किसी को मत दो, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, चलो उठाओ, खड्डा खोद कर खाना दफना दो, गली का कुत्ता भी इसके नजदीक में आना चाहिए, जल्दी। गोपी, चिंता मत करना गोपी। माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या क्या करूं? मालिक, उस दिन आपने मुझे ये कह के घर से बेघर कर दिया था कि मैंने अपना साथी ले जाकर उस गांव को बर्बाद कर दिया, लेकिन मालिक आज मैंने अपने गांव की लोगों की जान बचाकर आपके खाए हुए नमक को हलाल कर दिया। मालिक, अब तो आप मेरे ऊपर दो आंसू पाएंगे ना मालिक। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिक, अब मेरी चिंता मत कीजिए, स्कूल के बच्चों के लिए खाना जा चुका है मालिक, आप जल्दी जाकर उन बच्चों की जान बचाइए मालिक, आप जाइए मालिक, आप जल्दी जाइए, बच्चों को बताइए। नहीं, कोई खाना नहीं खाएगा, इसमें जहर मिला है, कोई खाना नहीं खाएगा। किसने खाने में जहर मिला दिया है? कोई खाना नहीं, कोई खाना नहीं। मालिक, मेरे मरने के बाद मेरी लाश पर दो आंसू बहाएंगे ना मालिक, बहाएंगे ना। निदानम करणाय चहे ओम शांति प्राप्त दर्पणम करिष्यामि ओम शांति 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 ही। जल में विसर्जित कर दीजिए। जैन ने गोपी को मार दिया। एक ही मौत हुई है ना, फिर क्यों परेशान हो? सैकड़ों की मौत होते होते बच गई, अगली बार नहीं बच पाएंगे। तुम्हारी दुश्मनी कब खत्म होगी भाई? जब हमारा हिसाब बराबर हो जाए। मौत का हिसाब जिंदगी से मत लो। एक हत्यारे के मुंह से जिंदगी की बात अच्छी नहीं लगती भाई। मैं एक अच्छा आदमी हूं, तुम्हारी अच्छाइयों का सबूत मेरे सामने है, मैं अपने भाइयों का तर्पण कर रहा हूं और इसके लिए तुम्हारी अच्छाई जिम्मेदार है। वो सभी अभी तक जिंदा होते अगर उस दिन शैतान बनने में तुमने जल्दबाजी ना की होती, पहले सांप की गवाही लेते। फिर भी अगर मेरे मरने से तुम्हारा हिसाब चुकता होता है तो मैं तैयार हूं भाई। तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, टुकड़े टुकड़े करके मारूंगा। तुम मुझे
पहचान नहीं रहे। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें दिखाई दे रहा। उस दिन बाजार में बेगुनाह होते हुए भी चुपचाप मार खाता रहा, वो मेरा एक रूप था। मेरे गांव में आकर मेरे आदमियों के बीच मेरी धज्जियां उड़ा दी। मैं खामोश सुनता रहा, वो मेरा एक रूप था। और आज इस मरघट पे मैं शांति का पैगाम लेकर आया हूं। तुम मुझे टुकड़े टुकड़े मौत की धमकी दे रहे हो, मैं सुन रहा हूं। ये मेरा एक रूप है। मेरा एक दूसरा रूप भी है। मैं महाकाल की तीसरी आंख हूं, खुलते ही प्रलय आ जाएगा। आज के बाद ये कोशिश करते रहना कि ये तीसरी आंख खुलने ना पावे, वरना तुम्हारे गांव में कोई किसी का सरपंच देने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। माफ कीजिएगा, अब हम आपके घर खाना नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे भाई? आपका खाना खाकर तो गोपी मर गया, हो सकता है कल को हम भी मर जाएं। आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। कहो। हम लोगों ने रामपुर जाकर उन लोगों को मारा, उनका घर जलाया, उसी गांव की लड़की यहाँ आकर जबरदस्ती आपकी बहू बनी। क्या आप लोग समझते हैं कि वो पतिव्रता बनकर आपकी सेवा करने आई है? नहीं, वो बदला लेने आई है। जो काम हमने तीर तलवार से किया वो जहर से कर रही है। कैसी बातें करते हो, चुप करो। नहीं, ये सच नहीं है। मगर सच्चाई तो ये है कि खाने में जहर था, ये बात इन्हें मालूम थी। जब जमींदार साहब गोपी के साथ खाने लगे तो इन्होंने पूजा के नाम पर उन्हें खाने से रोक दिया। जब तक बहू यहाँ रहेगी वो सबके लिए खतरा बनी रहेगी, इसलिए गाँव वाले चाहते हैं कि गाँव छोड़कर चली जाए, ये इनका फैसला है। या फिर इन्हें गांव से निकाला जाए। नहीं, मैंने जहर नहीं मिलाया, मैं गुनेगार नहीं हूँ। देखा, देखा आपने ये लोग मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? आप इनको बताते क्यों नहीं कि मैं गुनेगार नहीं हूँ? आप बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? जयंती, इस दुनिया में सभी को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। आज तुम पर इल्जाम लगा है, कल तुमने भी किसी पर इल्जाम लगाया होगा। मैंने तुम्हारे हर गुनाह माफ कर दिए हैं। किसी को नहीं बताया कि सुहाग रात को ही तुमने पत्थर मारकर मुझे खत्म करने की कोशिश की थी। किसने तुम्हें पत्थर मारा? ये खूनी है, इसने खाने में जरूर जहर मिलाया होगा। ये मेरे घर में नहीं रह सकती। चल निकल जा यहाँ से। नहीं माँ जी, चल मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। चल जा यहाँ से, मुझ पर यकीन कीजिए माँ जी। बत्तू, जयंती का सामान बांध लो और उसके पीछे पीछे उसके गांव तक जाना। Ha ha ha!
गालों वाली तूने कहा तेरी यही सोनी अदा ले गई मेरी जान जाता है कि अगर थोड़े दिन और हमारे घर में रहती तो पता नहीं कितना बड़ा सर्वनाश हो जाता। वो निर्दोष है माँ। क्या? उसने जहर नहीं मिलाया था, ना ही मेरा बुरा चाहती थी। निर्दोष थी? तो फिर क्यों मेरे घर की लक्ष्मी को गांव से निकाल दिया? उसे बचाने के लिए माँ। गांव के लोग बाढ़ का पानी है, जो सामने आएगा बहा देंगे। उस वक्त तो खतरे में थी। पता नहीं मेरी बहू इस वक्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। वो अच्छी तरह से है और अच्छी जगह है, हर वक्त मेरी नजर में है। उसे लाओगे कब? उसे मैं नहीं, वक्त लाएगा। मालिक, बहुत दिनों के बाद एक खुशी की खबर लाया हूँ। क्या? देवा ने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया। अब उसे तबाह करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं मालिक, बीवी की बद्दुआएं उसे तबाह कर देगी। मालिक, मैं खुद आपके लिए कौड़ा लेके आया हूँ। yeah!
एकदम नालायक है तू। अरे देवा की घर की एक भी बुरी खबर तेरी वजह से नहीं हुई। जो काम तुझे करना चाहिए वो कोई और ही कर रहा है। लानत है तुझ पर, लानत है तुझ पर। रतन चौधरी, आज के बाद देवा के घर में जो भी बुरी बात होगी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। रतन चौधरी, सिर्फ तुम्हारी वजह से होगी। खाओ ना बेटा, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? ये खाना मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, उसे खाना बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा और चावल ले आओ। हाँ हाँ लाओ। ये मत समझना कि खाना खाने के बाद मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। आज ये बुढ़िया मरेगी। अरे अरे, कब से कह रही हूँ कि आहिस्ता खाओ। पानी पानी। कोई बात नहीं बेटा, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें याद किया होगा। मेरी कोई माँ नहीं। फिर कभी मत कहना कि मेरी माँ नहीं। आज से मैं तेरी माँ हूँ। अरे खाना क्यों छोड़ दिया बेटा? मेरा हाथ गंदा है, मैं नहीं खा सकता। ये तुम्हारा है बेटा? इसे क्यों साथ रखते हो? अभी मेरा नहीं, ये किसी कसाई का था। माँ। हाँ हाँ बेटा। माँ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? खुश रहो, खुश रहो। हो जाओ, आना नहीं मेरे नजरों के सामने। उस बुढ़िया को मारने का छोड़कर तुमने इसे जाने दिया? मैं इसे मारने गया था जसवंत, लेकिन क्या लेकिन? लेकिन मैं उसे मार नहीं सका। मार नहीं सका? एक सुनहरा मौका खो दिया तुमने। जसवंत, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि क्योंकि तुमने उसे ममता का रूप नहीं देखा है। तो जाओ, जाकर उस माँ की ममता की पूजा करते रहो। जयंती गई क्योंकि उसे मर्द मिल गया, तुम गए क्योंकि तुम्हें मां मिल गई। तुम दोनों के दोनों गद्दार निकले। अब जो भी कुछ करना है मैं खुद करूंगा। कौन है? कौन है आप? क्या चाहिए? नमस्कार, बहुत भूखा हूं आज। भूखे हो? भूख के मारे इधर उधर भटक रहा था। किसी ने कहा कि तुम देवा के घर जाओ, वहां 24 घंटे चूल्हा जलता है, तुम्हें खाने के लिए वहां कुछ जरूर मिल जाएगा। तो देखा आप सब सो रहे हैं, आपको उठाना ठीक नहीं समझा माँ जी, बस के बारे यही लेट गया। अरे अरे, यहाँ आकर कैसी बातें कर रहे हैं? अंदर आइए, आइए ना। धन्य है आप। शुरू कीजिए, क्या बात है? खाए बिना सिर्फ पानी ही पिए जा रहे हैं। क्या बताओ माँ जी, बहुत प्यास लगी है। आप खाना शुरू कीजिए, मैं पानी लेके आती हूँ। अरे अब तक आपने खाना ही शुरू नहीं किया। आता हूँ। क्या बात है?
रास्ते में जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे किसी ने कुछ कहा था, अचानक वो बात याद आ गई, लेकिन मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। कौन था वो, क्या कह रहा था? उसने कहा, देवा के घर तुम खाना तो जरूर खाने जा रहे हो, लेकिन ऐसा सुना है वहां के खाने में जहर मिला होता है। क्या? मैंने उसकी बातों पर जरा भी यकीन नहीं किया। आप फिक्र मत करें, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप साक्षात्कार माँ हैं, देवी समान हैं। मैं खाना जरूर खाऊंगा। जरा रुकिए, इस घर में आज तक शंका से किसी ने खाना नहीं खाया। अगर इस खाने में जहर है तो मैं इसे खा के कैसे जिंदा हूँ? ऐसा मत कहिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। माँ जी रुकिए, ये खाना झूठा हो गया, मैं दूसरा पत्ता लाती हूँ। ये क्या हो गया आपको? तेरा चक्कर आ गया। मैं कहा था ना कि देवा के घर में खाने के अंदर जहर मिला होता है, लेकिन तुमने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया। कौन है तू? तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? तूने हमारे नाम पे काली पोती धब्बा लगा दिया हमारे नाम पर। भाई एक बात की दाद देनी पड़ेगी, मौत के शिकंजे में फंस के भी तुम मुझ पर बात कर रही हो। अरे भाई हम तो चलते हैं, अब भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। बाय बाय। हम तो मेले में गए थे भांजे, जब वापस लौटे तो पता चला किसी ने इन्हें जहर देकर मार डाला। हाथों से तूने अपने अमृत दिया, खुशी का धर्म किया, धर्म किया, आधर्म राज तू है, यम धर्म राज बोले क्यों तुझको ये दुनिया। एक रब जान
जी, गांव वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते वाले। नमस्ते। एक कातिल आया, माँ को मार के चला गया। आप अभी भी खामोश बैठे हैं? हम माँ जी की मौत का बदला लेंगे। आप हमें सिर्फ हुक्म दीजिए, हम उस कमीनों को धरती से मिटा देंगे। हाँ हाँ, मिटा दो उस गांव को, मिटा दो। आदमी तो आदमी, उस गांव के पशु पक्षी खेत खलियान बाग बगीचे सब मिटा कर अपने मन की तसल्ली कर लो और वापस आकर मेरा भी टुकड़ा कर देना। मेरी माँ मर गई, गोपी मर गया, फिर भी मैं सबर से बैठा हूं, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे की भी माँ मरे, दूसरे का भी बाप मरे, भाई मरे, बच्चा मरे। बहुत हो चुका है, अब इसका अंत होना चाहिए। जाओ यहां से और जो मर्जी में आए करो। माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने माँ को मार डाला? तुमने माँ को मारकर महापाप किया है। ऐसे इंसान तो वो सारी दुनिया में अकेली थी। अपनी माँ की मौत भूल गई हो और गम मना रही हो दुश्मनों की माँ का? वो सबकी माँ थी, तमाम भूखे इंसानों की माँ थी। वो मरी भी इसलिए कि तुमको एक भूखे कातिल को खाना खिलाने लगी। तुम मेरे खिलाफ वारंट लेकर आई हो? नहीं, मैं ये कहने आई हूँ कि बहुत हो चुका, अब ये खून खराबा बंद कर दो। इसी में दोनों गाँव की भलाई है। तुम गाँव की भलाई के लिए नहीं आई हो, तुम्हें ये डर है कि बुढ़िया के मरने के बाद तुम्हारा मर्द भी ना मर जाए। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे जरूर मारूंगा। आखिर कब तक एक अच्छे इंसान से दुश्मनी करते रहोगे? उनको समझने की कोशिश करो। जरा सोचो, तुमने उनकी माँ को मार डाला मगर उन्होंने अपना दुख अपने मन में खामोश दबा लिया है। अगर वो भी खूनी ही ख्याल के इंसान होते तो अब तक पता नहीं क्या हो गया होता। तुम्हारी वकालत उसे बचा नहीं सकती। तैयार रहो, तुम बहुत जल्दी विधवा बनने वाली हो। उनको कोई नहीं मार सकता, लोगों की दुआएं उनकी हिफाजत करती है। तुम जाओ यहाँ से, चलो चलो जाओ जाओ चलो जाओ यहाँ से। जसवंत, तुमने ठीक नहीं किया। उनमें मुझे अपनी माँ नजर आने लगी थी। सूरज, मैंने उसकी माँ को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसकी माँ को। तो फिर कौन हो सकता है? लोगों को अंदाजा नहीं है कि मैं आपके लिए कितनी बड़ी खुशी की खबर लेकर आया हूं। आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं कौन हूं। मैं हूं रतन चौधरी, गैर सरकारी दारू के ठेकेदार, और यह है मेरा पार्टनर। देखो भैया, धंधे में एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो धंधा भी अपनी मदद नहीं करता। ये मुझसे मदद मांगने के लिए मेरे घर आए, मैंने इनकी मदद की, एक दूसरे के गले मिले और आज गैर सरकारी दारू के बेताज बादशाह हैं हम। आप लोगों को हैरानी होगी कि मैं अपना परिचय क्यों दे रहा हूं। बात यह है कि देवा की मां को मारने का प्लान मैंने बनाया था, लेकिन मारा इसने। आपको सुनकर तो डबल हैरानी होगी कि हमने देवा की मां को मारा क्यों। उसकी भी एक पुरानी कहानी है। देवा ने मुझे बेइज्जत करके गधे पे बिठाकर विष्णुपुरा से बाहर निकाला और मेरे धंधे को खत्म कर दिया। मैंने उसी का बदला लेने के लिए उसकी माँ को मार डाला, मगर माँ को मारकर कुछ नहीं मिला। असली काम तो मैं कल करूंगा। देवा कल माथा टेकने नई मस्जिद जा रहा है, मैं उसे वही मारूंगा। तमाशा देखने के लिए न्योता देने आया हूं। तुम कुछ नहीं करोगे, वो मेरा शिकार है, उसे मैं मारूंगा। ठीक है, तुम उसे मारो, मैं तमाशा देखूंगा। जयंती, जयंती, फौरन विष्णुपुर जाओ और अपने पति से कहो कि इसकी जान खतरे में है।
किससे खतरा है? दुश्मनों से। कौन है दुश्मन? दुश्मन का नाम पता मत पूछो, उसे खबरदार करो। भाई साहब कहां जा रहे हैं आप? जल्दी आओ, जल्दी आओ। आर्डर, मैं भी होके आता हूं। हाँ जाओ जाओ जाओ। क्या बात है पार्टनर, आराम फरमा रहे हो? कर लिया? क्यों मजाक कर रहे हो भाई? तूने मेरी माँ को क्यों मारा? तुम्हारी माँ? हाँ मेरी माँ, मेरी माँ, हर गरीब की माँ। क्या सोच के मारा था तूने? मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मेरी माँ को मारकर तू इतने दिन जिंदा कैसे रहा? जाओ, हमें आने में देर हो गई। उस पवित्र जगह के बाहर हम उसका इंतजार करेंगे। आप लोग चारों तरफ फैल जाओ, देवा कहीं भागने ना पाए। आओ, वो दोनों कहाँ हैं? अरे वो दोनों कायर हैं जसवंत भाई। देवा का नाम सुन के ही वो दोनों मुझे छोड़ के भाग गए। क्या हुआ? अरे किस गद्दार को तुम साथ रखे हो? इसने मेरे पार्टनर को मार डाला। कहता है कि देवा की मां को मैंने छोड़ दिया तो हमने उसे क्यों मार डाला? अरे मैं तो खुद देवा को भी मार दिया होता, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैंने उसे छोड़ दिया कि तुम उसे मारोगे। तुम्हारे ऊपर भरोसा करने का फल देख लो, क्या हालत कर दी इसने हमारी। मैंने तुमसे अपने दुश्मन देवा को भी मारने से मना किया था और तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त को मार दिया। देवा, देवा, बाहर मत निकलना देवा। आ,
शांत शांत, लोग नमाज अदा कर रहे हैं। देवा, देवा, उस दिन खाने में जहर मैंने ही डाला था। इसमें इसमें जयंती का कोई कसूर नहीं। लेकिन 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 मां को मैंने नहीं मारा। आपने एक दिन चौधरी को गांव से निकाला था ना, उसी ने प्लान बनाकर मां को मार डाला। लेकिन लेकिन जिसने मां को मारा मैंने उसे मार डाला। इसी बात पर चौधरी ने मेरे पीठ में चाकू मार दी। इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। चलो उठाओ। साहब की जान खतरे में है, कल जमाना ये न कहे कि मुसलमान अपने मेहमान की हिफाजत नहीं कर सकता। साहब, जब तक एक भी मुसलमान जिंदा है आपको कोई छू नहीं सकता। नहीं, कोई मेरे साथ नहीं आएगा, आप लोगों को मेरी कसम। जसवंत, इस पवित्र जगह पर कदम मत रखना, मैं खुद आ रहा हूं। मेरे खिलाफ फौज लेकर आया हूं। सोचा था तुम्हारे साथ तुम्हारे खूनी काम वाले होंगे, इसलिए मैं भी इन्हें अपने साथ ले आया हूं। लेकिन अब तुम अकेले हो तो मैं भी अकेला। हम में जो जीतेगा ये तलवार उसके हाथ में होगी, जो हारेगा वो मरेगा। अगर सवाल है हार जीत का तो समझो मैं हार गया। अब मेरी एक बात सुनो। अब क्या सुनना और क्या कहना। खबरदार किया था कि कोशिश करते रहना कि मेरी तीसरी आंख खुल ले ना पाए, मगर तू माना नहीं। Thank you.
मैं हार कर जिंदा नहीं रहना चाहता। मार डालो मुझे। तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। तुम्हें बुरे लोगों ने बुरा बना दिया है। जशवंत, मैंने अपनी ताकत दिखाने के लिए तुमको नहीं मारा, मारा है ताकि तुम मेरी बात सुन सको। अपनी जिस दुश्मनी को तुम लोगों का खून पिला पिलाकर जिंदा रख रहे हो उसकी बुनियादी गलत है। मैंने जयंती को सांप से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ा था। उसने समझा मैं जानबूझकर उससे छेड़खानी कर रहा हूं। यह जयंती की गलती थी। उसके इल्जाम को सच मानकर तुमने मुझे मारा, यह तुम्हारी गलती थी। गोपी को कसम देकर मैंने खामोश रहने को कहा था लेकिन गोपी ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया, यह गोपी की गलती थी। मेरे गांव वाले ने बिना मुझे बताए तुम्हारे गांव को जला दिया, यह मेरे गांव वालों की गलती थी। मगर गलतियों के इस खूनी इतिहास में मैं कहां हूं? हां, मैंने गलती की थी। अंधा होकर लोगों की सेवा का व्रत ले लिया था मैंने। उसके लिए अपनी जिंदगी, अपनी दौलत, अपनी मां गंगा जैसी पवित्र अपनी धर्म पत्नी को कुर्बान कर दिया। फिर भी अगर मेरी बात से तुम्हें तसल्ली ना हो तो ये लो तलवार और मुझे मारकर अपनी मुराद पूरी कर लो। पवित्र जगह पर आने का मुझे फल मिल गया, मुझे तुम वापस मिल गई।